हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माय स्टूडेंट्स में। आज हम क्लास टेंथ की हिंदी बुक के चितित से सूरदास के पद को पढ़ेंगे। सूरदास के ये पद सूरदास के सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ये चार पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर पद की व्याख्या आपको पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान बन गए हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि हारिल एक ऐसा विशेष पक्षी है जो अपने पंजों में कोई न कोई लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है। अर्थात जिस प्रकार हारिल पक्षी हर समय अपने पंजों में लकड़ी का टुकड़ा या तिनका पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती, उनको हम अपने हृदय से नहीं निकाल सकती। हम भी निरंतर अपने कृष्ण का ध्यान करती रहती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे से तिनके को अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय से श्री कृष्ण को अलग नहीं कर सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन यानी गोपियाँ कह रही है मन से क्रम से वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण नंद के पुत्र श्री कृष्ण उर हृदय यह यहाँ भी यहाँ पे हृदय दृढ़ दृढ़ता से करी पकड़ी पकड़ रखा है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हमने मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण कर रखा है, और ये हृदय है उसको दृढ़ता से पकड़ कर रखा है और उनकी स्मृति को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण किया हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी कान कान जकरी। जागत यानी जागते हुए, सोवत यानी सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान कृष्ण कृष्ण जकरी जकरी यानी झक लगी है या धुन लगी है। यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हमारा मन चाहे हम जागते हुए हो या सोते हुए हो, सपने में भी हो, दिन में भी हो या रात में भी हो, चाहे किसी भी दशा में क्यों न हो, हमेशा ही कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहता है। अर्थात हर समय हम उन्हीं का ही ध्यान करते रहते हैं और ये हृदय में उन्हीं की धुन लगी रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। सुनत यानी सुनकर, जोग योग संदेश, लागत लग रहा है, ऐसो ऐसा, जो जैसे, करुई ककरी यानी कड़वी ककड़ी। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि तुम हमें जो ये योग संदेश सुना रहे हो उसको सुनकर हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमने कड़वी ककड़ी चख ली है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी में किसी भी तरह का रस नहीं, किसी प्रकार का आनंद नहीं, उसी प्रकार हमें भी तुम्हारा ये योग संदेश है उसमें हमें कोई आनंद नहीं है, कोई भी रुचि नहीं है। तुम्हारी योग की बातें सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। अर्थात तुम्हारी ये योग की बातें हैं वो हमें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं है, हमारे लिए ये अरुचिकर है। सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। सु तो यानी ये व्याधि बीमारी हमको हमारे लिए ले आए, ले आए देखी सुनी न करी, जिसको न देखा है न सुना है न करी यानी जिसको भोगा भी नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं
कि ये योग रूपी जो बीमारी है तुम हमारे लिए लाए हो, ऐसी बीमारी को हमने न तो देखा है और न ही सुना है और न ही उसको कभी भोगा है। तुम तो योग के रूप में हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो या ऐसी मुसीबत ले आए हो जिसे हमने न तो कभी देखा है और न सुना है और इसका अनुभव तो कभी किया ही नहीं है। अर्थात हम तुम्हारी इस योग रूपी बीमारी से पूरी तरह अपरिचित हैं। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी गोपियों के द्वारा कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि इस बीमारी को जो तुम हमारे लिए लाए हो तुम उन्हीं को सौंप दो जिनका मन चक्री, अर्थात जिनका मन चक्कर में रहता है, चंचल होता है, वो जिनका मन कभी इधर कभी उधर डोलता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के ऊपर ही हमने टिका दिया है, हमें तो श्री कृष्ण से मिलने की ही आशा है। इस बीमारी को तुम उन लोगों को जाकर दे दो जिनके मन में चक्री के समान रहता है, अर्थात हमेशा चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, उन्हीं को ये योग संदेश सुनाओ। हमारी चित्तवृत्ति, हमारा मन तो पहले से ही कृष्ण प्रेम में स्थिर हो चुका है, इसलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। तो अब चौथे पद को पढ़ते हैं। हरी है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही है हरी अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण है वो मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, उन्होंने राजनीति की शिक्षा ले ली है। ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है और ये बातें भ्रमर के माध्यम से कह रही है। समझी बात कहत मधुकर के कि ये बात गोपियाँ उद्धव को कह रही है और भंवरे के माध्यम से कह रही है। मधुकर के गोपियाँ कहती है कि ये बात तो हम पहले ही समझ गई हैं, ये कह रही है कि यह बात हमने पहले ही समझ ली है। कहत मधुकर के मतलब भंवरे को, गोपियाँ इस प्रकार से कहती है, भंवरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ कहती है कि यह बात तो हम पहले ही समझ गई थी, समाचार सब पाए, हमने ये समाचार भी पा लिया है। श्री कृष्ण ने उद्धव के साथ जो योग संदेश भेजा है तो अब हमें तो ये समाचार भी प्राप्त हो गया है कि ये हरि है वो राजनीति पढ़ी, कि हरि श्री कृष्ण ने वहाँ पर जाकर राजनीति पढ़ ली है और वे सचमुच में ही बदल गए हैं। उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेजने से ही हमें पता चल गया है कि उन्होंने वहाँ राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, तभी तो उन्होंने उद्धव के साथ योग संदेश भेजा है। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। चतुर यानी चालाक होते थे पहले से गुरु ग्रंथ यानी गुरु का ग्रंथ या राजनीति। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि कृष्ण तो पहले ही चालाक थे, पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, अर्थात राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे, चालाक थे और चालाकी से हमें छलते थे और अब तो उन्होंने गुरु से राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, तभी तो उन्होंने योग संदेश देकर हमें तुम्हें भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाएं। बड़ी बुद्धि यानी उनकी बुद्धि है वो विशाल हो गई है, जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाएं। गोपियाँ अब कहती है उद्धव से कि उनकी बुद्धि अब बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, कि उनकी बुद्धि अब विशाल हो गई है, तभी तो उन्होंने योग का संदेश भेजा है। उनकी बुद्धि अब और अधिक विशाल हो गई है और उन्हें जब राजनीति का ज्ञान हो गया है, गुरु ग्रंथ का ज्ञान हो गया है, जबकि उन्हें भली भांति पता है कि गोपियां उनका दर्शन चाहती हैं, परंतु उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजा है। उद्धव ने जो योग संदेश दिया है उसमें निर्गुण उपासना का संदेश था,
परंतु गोपियां तो श्री कृष्ण के साकार रूप की उपासक थी, वे उनका दर्शन चाहती थी। इसलिए गोपियां कटाक्ष करती हुई कहती है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है और या विशाल हो गई है और उन्होंने और अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तभी तो उन्होंने उद्धव के साथ योग संदेश भेजा। उद्धव, भले लोग आगे के पर हित डोलत धाए। उद्धव भले लोग, सज्जन लोग, आगे के यानी पहले जमाने के या पिछले जन्म के, पहले पुराने जमाने के, पर हित यानी दूसरों की भलाई, डोलत धाए यानी डोलते रहते भागते रहते थे। अब गोपियां कहती है उद्धव से कि पुराने जमाने में जो सज्जन पुरुष होते थे, जो अच्छे लोग होते थे, वो दूसरों की भलाई के लिए ही सदैव इधर उधर डोलते रहते थे या फिरते रहते थे। लेकिन गोपियां किसके माध्यम से उद्धव पर कटाक्ष करती है कि पुराने जमाने में जो सज्जन पुरुष होते थे, वो दूसरों की भलाई ही का कार्य सोचते थे, उनके मन मस्तिष्क में दूसरों की भलाई के ही आती थी और वो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े फिरते थे। लेकिन आज के ये जो सज्जन पुरुष है, वो उद्धव जी की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, आज के सज्जन पुरुष है वो हमेशा दूसरों को दुख देने और सताने के लिए ही दौड़ते रहते हैं, जैसे कि आप हमें दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। तो इससे तो पुराने जमाने के लोग ही भले थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हुई कहती है कि हम तो केवल अब इतना ही चाहती हैं कि अब अपने मन फेर पाइए, कि अपने माने अपना मन, मन फेर वापस पाइए, पाना चाहती है कि अब हम कुछ नहीं चाहती, अब हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने मन को हम फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, कि श्री कृष्ण जी ने जो जाते वक्त, मथुरा जाते वक्त जो हमसे चुरा कर ले गए हैं, कि हम तो केवल अब इतना ही चाहती है कि हमें हमारा मन है वो फिर मिल जाए, जिसे कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर अपने साथ ले गए थे। अतः हमें तो हमारा मन दे दीजिए, हम खुश हैं। और आप हमें ये योग संदेश देने के बजाय श्री कृष्ण से हमारा मन वापस ला दीजिए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहती हैं कि ते क्यों अनिति करे, ते यानी अब, क्यों क्यों अनिति, अनिति यानी बुरे कार्य या अनिति, नीति के विरुद्ध, करे आपुन, आपुन यानी स्वयं, जे और अनिति छुड़ाए, जो कभी दूसरों की अनिति छुड़ाते थे या नित्य विरुद्ध कार्य छुड़ाते थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि हम, कि श्री कृष्ण अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जो व्यवहार उनको पसंद ही नहीं था, वो अब खुद स्वयं अनित्य क्यों कर रहे हैं या बुरा कार्य क्यों कर रहे हैं जो वो दूसरों से छुड़ाया करते थे, अर्थात वो जो दूसरों को दुख देने वाले कार्य करते थे उन्हें वो बंद करवाते थे, उन्हें वो छुड़ाते थे, अब स्वयं भी वो वही कार्य कर रहे हैं कि दूसरों को दुख देने का, अर्थात हमें दुख देने का कार्य कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, ये तो सरासर अन्याय है। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। अब सूरदास के अनुसार गोपियां कहने लगी है कि श्री कृष्ण अब तो राजा हैं और वो हमें अपनी सखी ना मानकर हमें प्रजा मानती हैं, तो उस तरीके से भी वो राजा है तो उनका राजधर्म यही कहता है कि उनका राजधर्म भी यही कहता है कि उनके अंतर्गत आई हुई प्रजा को वो न सताए। तो अब उनका राजधर्म भी यही कहता है कि अपनी प्रजा को न कभी दुख दें और न ही सताए, लेकिन ये तो इसके विरुद्ध कार्य हो रहा है कि वो अपनी ही प्रजा को दुख दे रहे हैं। कृष्ण अपना स्वार्थ साधने के लिए हमारे सुख चैन को हमसे छीनकर हमें दुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं,
यह उनकी कुटिल राजनीति है और जो सही नहीं है। अब वो राजा हो गए हैं तो उन्हें अपना राज धर्म निभाना चाहिए और हमें सुख शांति से रहने देना चाहिए, हमें सुखी करना चाहिए। इस प्रकार से गोपियां उद्धव को भ्रमर के माध्यम से खरी खोटी सुनाती है, उन्हें व्यंग्य करती है, कटाक्ष करती है कि श्री कृष्ण ने योग संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया। वे यदि हमें प्रजा मानते हैं तो राजधर्म के अनुसार उनका धर्म है कि वो हमें सुखी करे, हमें शांत करे और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण करें। तो पद की व्याख्या आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइए। पद की व्याख्या पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।